जैसे जडेजा है उसे ऐसे नहीं सर जडेजा कहते यार, वो फील्डिंग में इतना कमाल कैच पकड़ा उसने आज। उसके अलावा जी बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं वर्ल्ड कप के स्टार्ट से इंडिया जो है ना अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस देता आ रहा है। असल में ना बुमराह का कमबैक हुआ है, फिर उनके पास जडेजा है, फिर कुलदीप यादव है, उन्होंने बड़ियानी नहीं मिल रही हमें, खाना नहीं मिल रहा हमें, ये नहीं मिल रहा। तो विराट कोहली जैसा एनर्जेटिक प्लेयर, एक लेजेंड है वो, इंडिया सबसे टॉप में है, क्योंकि एक तो उनको ये एडवांटेज है कि वो होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया क्योंकि ये एक बड़ा मैच इंडिया के खिलाफ हारे हुए हैं ऑलरेडी। उसकी बैटिंग में तो और फील्डिंग में एनर्जी हमने हमेशा देखी है, चलो आज उसकी बॉलिंग में भी एनर्जी हमें देखने को मिल गई है बहुत। दूसरा उनका जो प्लेयर है ना एक हार्दिक पांड्या, उन्होंने ना उसको इस तरह बिल्डअप कर दिया कि मतलब उसका बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस बहुत सुपर डुपर बना दिया। लेकिन देख लो बॉल भी कर लेता है, बैट भी कर लेता है, वो वाकई एक ना क्रिकेट का गोड है, ठीक है, गोड गिफ्टेड लेजेंड है, लेजेंड है, उसके लिए वर्ड्स कम हो जाते हैं यार। वालेकुम सलाम सर, आपका नाम? बिलाल। बिलाल मुझे ये बताइएगा, आज का मैच आपने देखा होगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, और क्या लगता है आज की बॉलिंग आपने देखी है, किस तरह की इंडिया ने बॉलिंग करवाई है? अगर हम हार्दिक पांड्या की बात करें, बुमराह की बात करें, इसमें सिराज की बात करें, क्या कहेंगे उनकी बॉलिंग के हवाले से? यार इंडिया में बैटिंग ट्रैक ज़्यादा है, तो आपके सामने इतने बड़े बैटिंग ट्रैक पुणे पे बांग्लादेश को रिस्ट्रिक्ट कर लेना 250 के राउंड अबाउट, ये बड़ी अच्छी बॉलिंग है यार। जैसे जडेजा है उसे ऐसे नहीं सर जडेजा कहते यार, वो फील्डिंग में इतना कमाल कैच पकड़ा उसने आज। उसके अलावा बॉलिंग उसने 38 रन के साथ दो आउट कर गया, सिराज भी, और ये पूरी टीम पैकेज है ना, दो एक बंदा आउट करा, दो एक करा, एक मतलब कि पूरी टीम बुक करना, ये एक मायने रखता है। पूरी टीम मुझे ऐसे लगता है 3-1 है। जैसे कि अगर हम बात करें बैटिंग के वाले से बड़ी जबरदस्त नजर आती है, बॉलिंग की बात करें वो बड़ी कमाल की है, और अगर हम फील्डिंग की बात करें तो आउटस्टैंड नजर आती है यार। फील्डिंग हर दूसरे मैच में कोई ना कोई अच्छा फील्डर, हर बंदा अच्छी फील्डिंग करता है। जडेजा ने कैच पकड़ा जितना अच्छा, उसके बाद विराट कोहली ने जो दो मैच पहले स्लिप में कैच पकड़ा था यार, ये उनकी ना कह सकते हैं ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम लोगों के पास बहाने बड़ियानी नहीं मिल रही, हमें खाना नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं मिल रहा। तो बाकी पूरी टीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, इसी वजह से आज बांग्लादेश डिस्ट्रिक्ट कर लिया इतनी जल्दी उन्होंने। क्या कहेंगे जी, जिस तरह की इन्होंने इंडिया ने आज बॉलिंग की है, वो वर्ल्ड कप में एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, और आज का मैच आपको लगता है कि विनिंग पोजीशन में है, और विन करने के बाद आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है वो अपने 8 पॉइंट के साथ सरफहरिस्त में आ जाएंगे? जी बिल्कुल, इंडिया और न्यूजीलैंड जैसे, इंडिया और न्यूजीलैंड ऐसी टीमें हैं जो फिलहाल टॉप पे जा रही हैं, और ये रहेंगी भी नंबर 1 या नंबर 2 पे इंडिया लाजमी रहेगी 100%। ये पाकिस्तान टीम है जो ये जो कमी टीम है, ये सोचते हैं कि यार फलाना मैच हट जाए हम आ जाए, फलाना मैच हट जाए हम आगे आ जाए, इंडिया को ये टेंशन नहीं है, वो विनिंग स्ट्रेक जीती जा रही है उनका, 99% कन्फर्म्ड है टॉप 2 में यार। अच्छा सर मुझे ये बता दीजिए, कल का मैच है पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, क्या लगता है कौन विन करेगा? यार पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया में अगर वर्ल्ड कप रिकॉर्ड देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया 6 मैच जीती हुई है, और हम चार में से भी 3 मैच है वो 90s में जीते हुए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा प्रेशर होगा। जैसे पैट कमिंस ने कहा था कि पाकिस्तान विल हैव टू पे, तो भाई वाकई जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि ये एक बड़ा मैच इंडिया के खिलाफ हारे हुए हैं ऑलरेडी। तो यही है कि बाकी कल पता चलेगा, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस ऑस्ट्रेलिया के हैं क्योंकि लास्ट मैच वो जीते हुए हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह की आज बॉलिंग हुई है इंडिया की तरफ से, क्या लगता है कि जो बैटिंग लाइन है, अब अगर इंडिया बैटिंग करता है तो कितने ओवर में अपना स्कोर जो है वो अचीव कर लेगा? अगर इंडिया का अगर तो रोहित शर्मा का बैट चल जाए, जैसे वो फॉर्म में सेंचुरी किया है, 86 स्कोर किया है, अगर रोहित शर्मा का आज फिर बैट चल जाता है तो मेरे ख्याल से जो टारगेट है 32 से 35 ओवर में वो इजीली चेस कर लेंगे। लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे? यार लास्ट पे मैसेज मेरा, आज विराट कोहली ने फिर भी देख लें परफॉर्मेंस दिखाई है, तो यार वो बंदा देख लो बॉल भी कर लेता है, बैट भी कर लेता है, वो वाकई एक ना क्रिकेट का गोड है, ठीक है, गोड गिफ्टेड लेजेंड है, लेजेंड है, उसके लिए वर्ड्स कम हो जाते हैं यार, वाकई उसकी वजह से ओलंपिक्स भी आ रही है क्रिकेट, ठीक है, तो बहुत बेहतरीन प्लेयर है यार, अप्रिशिएटेड। जी बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं वर्ल्ड कप के स्टार्ट से इंडिया जो है ना अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस देता आ रहा है। हम लोगों ने वर्ल्ड कप एशिया कप में देखा कि पाकिस्तान की जो है ना बॉलिंग को कहा जाता था कि नंबर 1 फास्ट अटैक है हमारे पास, नसीम शाह गया उसके बाद हम लोग एक लिहाज से फिनिश हो गए। इस वक्त इंडिया की बॉलिंग अटैक को आप देखें, बुमराह है, उसकी इकोनॉमी चेक करें 3-4 पर ओवर, इससे ऊपर वो जा ही नहीं रहा, कोई बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है सर। जी बहुत ज़बरदस्त कर रहा है। उसके अलावा आप मोहम्मद सिराज को देखें, आज उसने 2 आउट किए हैं। जी जी बहुत अच्छी उसकी बॉलिंग है माशाल्लाह, उसने लेंथ उसकी मतलब इतनी परफेक्ट है ना, वो अपनी लेंथ पे तवज्जो देता है। हमारा मसला यही है कि हम लोग जो है ना अपने प्लेयर्स को खिला के जो है ना डोमेस्टिक हम लोग खिलाते नहीं हैं, बड़े मैचों में खिला उनके प्रेशर के अंदर वो एक चीज़ सीख नहीं पाते। मोहम्मद सिराज डोमेस्टिक खेल के आया है, और उस इस वक्त वो अपने तजर्बे को बिल्कुल इस्तेमाल कर रहा है। आज एक और अच्छी बात बता दूं, विराट कोहली ने बॉलिंग की है, क्या कहेंगे जी? हार्दिक पांड्या जो कि इंजर्ड हो गया था, जिसकी वजह से उसकी 3 बॉलें जो है वो विराट कोहली ने करवाई है, क्या कहेंगे सर? विराट कोहली जैसा एनर्जेटिक प्लेयर,
एक लेजेंड है वो, बेशक हम लोग उसको बाबर के साथ कंपेयर करते हैं लेकिन मेरे हिसाब से उसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता, वो एक लेजेंड है। उसकी बैटिंग में तो और फील्डिंग में एनर्जी हमने हमेशा देखी है, चलो आज उसकी बॉलिंग में भी एनर्जी हमें देखने को मिल गई है, बहुत अच्छी बॉलिंग। सर बिल्कुल आपने ज़बरदस्त बात की है हमेशा की तरह, क्योंकि उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर वर्ल्ड कप की बात करें, वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप में भी अगर हम बात करें इंडिया के हवाले से, तो इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त नज़र आई है। एशिया कप उन्होंने विन किया, अभी फिर रिसेंटली अब आप देखेंगे वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमें एशिया कप के फाइनल में इंडिया ने श्रीलंका को 52-55 मतलब अंडर 60 उन्होंने आउट कर दिया, ऑल आउट कर दिया, जबकि वही अगर हमारी बॉलिंग अटैक को देखें जिसको नंबर वन तसव्वुर किया जाता था, उनके खिलाफ हमें श्रीलंका ने जो है ना 300 तक भी बनाया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है वो एक चीज़ देखने को मिल रही है, हम लोग इंडिया की बॉलिंग को बहुत अंडर एस्टिमेट करते थे, हमारे हिसाब से उनकी बैटिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन अब वो चीज़ उभर के सामने आ रही है कि उनकी बॉलिंग उनकी बैटिंग के मुकाबले में है। और असल में ना बुमराह का कमबैक हुआ है, फिर उनके पास जडेजा है, फिर कुलदीप यादव है, उन्होंने दो दो आउट किए बड़े जबरदस्त, बहुत ही अच्छी बॉलिंग किया उन्होंने। सिराज ने भी दो आउट किए, सिराज ने भी दो आउट किए, और जो बुमराह ने बोल्ड किया था महमदुल्ला को एंड में, वो बहुत ही जबरदस्त डिलीवरी थी। अच्छा सर, जिस तरह से इंडिया की बॉलिंग है, जिस तरह से उन्होंने एशिया कप को विन किया, इसी तरह वर्ल्ड कप में भी वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे, क्या लगता है आपको? इंडिया सबसे टॉप में है, क्योंकि एक तो उनको ये एडवांटेज है कि वो होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, फिर दूसरा उनका जो प्लेयर है ना एक हार्दिक पांड्या, उन्होंने ना उसको इस तरह बिल्डअप कर दिया कि मतलब उसका बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस बहुत सुपर डुपर बना दिया। लेकिन सर आज हार्दिक पांड्या जो है वो इंजर्ड हो गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? जो बाकी तीन बॉल थी वो आज फिर विराट कोहली ने करवाई है, और आज आपने बॉलिंग उसकी देखी होगी। वो देखिए, वो विराट कोहली ने जो तीन डिलीवरी की है ना, वो ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड कर रहा है कि विराट कोहली किंग। तो फिर हार्दिक पांड्या तो ठीक हो जाएगा, ये तो इंजरी इतना मसला नहीं होती, मतलब छोटी सी थी मुझे तो लगता है जहाँ तक। बिल्कुल सर, देखें लेजेंड है विराट कोहली, दुनिया में पहले ही बहुत ज़्यादा मशहूर है। अगर हम बात करें पहले नंबर पे अगर रोनाल्डो का नाम आता है, उसके बाद मैसी का, और तीसरे नंबर पे विराट कोहली का नाम आता है, क्या कहेंगे? उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। विराट कोहली तो बस ऑल टाइम वो गोट कहते हैं ना, वो गोट का वर्ड यूज़ करते हैं, वो विराट कोहली के लिए है सब। विराट कोहली तो मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज, अब आपने देखा था ये हारिस रो को दो छक्के मारे थे उन्होंने जब मैच हम लास्ट वर्ल्ड कप में हार रहे थे, तो फिर वो बहुत ही सुपर डुपर हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान हमेशा से पहचाना जाता था बॉलिंग की वजह से, लेकिन आज हमें नज़र आ रहा है कि इंडिया की बॉलिंग जो है वो दुनिया की नंबर वन बॉलिंग नज़र आ रही है? वो नंबर वन तो नज़र आ रही है, क्योंकि उन्होंने बुमराह को रेस्ट दिया है। बुमराह अब फिर काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी एक डेढ़ साल के बाद आ रहे हैं बुमराह, और इधर से हमारा जो शाहीन है वो तो इंजर्ड होता भी है फिर ठीक होता है, मतलब उसको इतना रेस्ट नहीं मिला ठीक है जितना मिलना चाहिए था। मेरा लास्ट सवाल है, इसी के साथ इख्तिताम करता हूँ, मैं बात करने जा रहा हूँ न्यूजीलैंड की, और आपने कहा जैसे कि इंडिया जो है, इंडिया का होम ग्राउंड है, इंडिया को एडवांटेज है, तो न्यूजीलैंड को क्या एडवांटेज है? न्यूजीलैंड भी नंबर वन पे आ रहा है। न्यूजीलैंड तो फिर वो तो उनकी किस्मत है, परफॉर्मेंस है सर, परफॉर्मेंस भी है फिर किस्मत भी है साथ। उनका जो एक वो ऑलराउंडर है ना रविंद्रा, वो बहुत ही सुपर डुपर है, जो ऑलराउंडिंग उसने परफॉर्मेंस दिखाई है। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे लास्ट पे? मैसेज यही है कि मैं तो यही कहूँगा कि बाबर आजम को सपोर्ट करें, पाकिस्तान को सपोर्ट करें, फिर अगर नहीं करेंगे तो फिर मतलब मुझे तो यही लगता है कि हमारे जो पाकिस्तानी है ना वो है प्लास्टिक फैन वो मतलब मैच हार गए तो सपोर्ट नहीं करते, अगर जीत जाए तो फिर स्टेटस लग रहा है, बल्ले बल्ले करते हैं।